हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की हमने एक्सरसाइज 8.1 जो कि कंसिस्ट है एलिप्स के ऊपर, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग एलिप्सिस हूज सेंटर्स आर एट द ओरिजिन एंड विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं हमारे को, हमें जो है वो विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशंस हमें निकालना है एलिप्स की इक्वेशन। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एलिप्स की इक्वेशन दी हुई थी और हमें डिफरेंट चीज़ें निकालनी थी, लाइक फोसाई निकालना था, सेंटर, वर्टेसिस, सेमी एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स एंड सो ऑन। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखें, हमें एलिप्स की वो इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर्स आर एट द ओरिजिन। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर एलिप्स का सेंटर ओरिजिन पर हो तो हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन कब यूज़ होती है, जब मेजर एक्सिस कहाँ हो, एक्स एक्सिस के ऊपर हो। दूसरी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये वाली इक्वेशन कब यूज़ होती है, जब हमारे पास मेजर एक्सिस कहाँ हो, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। इन दो के अलावा कोई और इक्वेशन यूज़ नहीं होगी, लाइक एच और के वाली जो इक्वेशन है वो यूज़ नहीं होंगी, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है कि वो आपको जितने भी पार्ट्स दे रहा है उन सब पार्ट्स के अंदर जो एलिप्स का सेंटर है वो ओरिजिन पर है। अगर ओरिजिन पर है तो आपके पास या तो ये इक्वेशन यूज़ होगी या ये यूज़ होगी, कोई और इक्वेशन इसके अलावा यूज़ नहीं होगी। चलें स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1, सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 1 में हमें दिया हुआ है फोसाई एट प्लस माइनस 4.0 एंड वर्टेसिस एट प्लस माइनस 5.0। आप जानते हैं कि फोसाई जो होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस c.0, और वर्टेसिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस माइनस a.0। तो अब इस कंडीशन की हेल्प से अगर आप इसको इससे कंपेयर करवाएं तो आपके पास दिस इम्प्लाइज दैट c आपके पास आ जाता है 4 और a आपके पास आ जाता है 5, सही है? तो c आपके पास 4 आ गया, a 5 आ गया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपके पास c आ जाए और a आ जाए तो तीसरी चीज़ जिसको हम b कहते हैं, अगर आपके पास b आ जाए तो फिर तो आपके पास बहुत ही आसान हो जाएगा, इन दोनों में से एक इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी, सी हमारे पास है 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 25 माइनस 16 जो होता है वो होता है 9। ये आ गया। और स्टूडेंट, आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी हो आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक ए और एक बी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस के अंदर आप देख लें अगर आपके पास ए और बी आ जाए तो आपकी इक्वेशन ऑफ एलिप्स फिर एक मिनट के अंदर आ सकती है। तो आपके पास ए दिया हुआ था, ये रहा 5, बी आपने निकाल लिया, बी स्क्वायर 9। अब आपने रखनी है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। सवाल ये पैदा होता है इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सी वाली रखें, ये वाली या ये वाली। देखें, देखने में ही नज़र आ रहा है कि आपके पास प्लस माइनस 5.0, ये चीज़ कब होती है, वर्टेसिस आपके पास, देखें पहली चीज़ जो होती है, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें पहली चीज़ एक्स को रिप्रेजेंट करती है और दूसरी चीज़ वाई को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको 5 जो है वो कहाँ पे दिया हुआ है, एक्स पे दिया हुआ है, और वर्टेसिस का मतलब क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब है कि मेजर एक्सिस जो है ये चीज़ बता रही है हमें
कि मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। सिमिलरली फोकस भी हमें बता रहा है, फोकस जो होता है अगर पहले फोकस आपको दिया हुआ है वैल्यू और वाई की वैल्यू ज़ीरो है तो इसका मतलब भी है कि फोकस जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस के ऊपर है इस वक्त। तो अब आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई, अब आप इसको पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए आपके पास क्या है, फाइव, तो यहाँ से आप ए स्क्वायर निकाल लें, फाइव का स्क्वायर होता है 25, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी स्क्वायर आप निकाल चुके हैं कितना, 9, ये आपके पास इक्वल टू है 1। इसको इस हालत में नहीं छोड़ें, थोड़ा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, 25 और 9 का जो एलसीएम होता है वो होता है 225, 225, 25 9s are 225, 9 into x square, 9x square plus 9 into 25s are 225 or 25 into y square, 25y square is equals to 1. 9x square plus 25y square is equals to, ये 225 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 225 1s are 225, this is your final equation of ellipse. होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि हमने ये इक्वेशन कैसे निकाली। तो फोसाई और वर्टेसिस की मदद से आपने पहले बी निकाला और फिर आपने देख लिया कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है और आपका काम हो गया। चलें, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं ये इक्वेशन मिटा देता हूँ, जैसे जैसे इक्वेशन आती जाएंगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि कौन सी वाली इक्वेशन लगेगी। बस ये बात ध्यान में रखें, इन दो में से एक लगेगी क्योंकि सेंटर तो 0, 0 है, यानी कि ओरिजिन है। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 2। व्हाट इज पार्ट नंबर 2 इज पार्ट नंबर 2 फोसाई एट 0 प्लस माइनस 2 एंड वर्टेसिस 0 प्लस माइनस 4। फोसाई का मतलब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सॉल्यूशन फोसाई का फॉर्मूला क्या होगा, 0 पहले है तो अब हम लिखेंगे फोसाई 0 और प्लस माइनस सी, और वर्टेसिस हमारे पास पता है अगर 0 पहले है तो ये हो जाएगा 0 और प्लस माइनस ए। दिस इम्प्लाइज दैट सी कंपेयर करें तो सी का वैल्यू क्या आ रहा है, 2, और कंपेयर करें ए को तो ए हमारे पास कितना आ रहा है, 4। और वही प्रीवियस पार्ट वाली बात कि जब ए आ गया सी आ गया तो बी कैसे निकलेगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और 16 माइनस 4 होता है 12। बस बी आ गया, ए ऑलरेडी मौजूद है, काम ख़त्म हो गया। कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी, डेफिनेटली इस वक्त मेजर एक्सिस जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। क्यों, क्योंकि आपको पहले 0 नज़र आ रहा है वर्टेसिस के अंदर और बाद में वैल्यू नज़र आ रही है। सिमिलरली आपको यहाँ से भी लग रहा है कि फोकस आपके पास जो है इस वक्त कहाँ पर नज़र आ रहा है, आपको वाई एक्सिस के ऊपर नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन कब यूज़ होती है, जब मेजर एक्सिस कहाँ हो, अलॉन्ग वाई एक्सिस के ऊपर हो। तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है हमारे पास 12, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ए हमारे पास 4 है तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा 16, तो ये हमारे पास आ गया 16 और 1। अब स्टूडेंट 12 और 16 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, तो 12 फोर ज़ा 48, 4 इंटू दिस 4x स्क्वायर प्लस 16 फ्रीज़ा, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, 48 को वहाँ ले जाएं, 48 वन ज़ा 48, ये आपका आ गया आंसर। स्टूडेंट देखें, सम टाइम ऐसा होता है कि हम बड़ी चीज़ कर रहे होते हैं और हमें छोटी चीज़ नहीं आती, हमें इक्वेशन निकालनी तो आती है मगर हमें एलसीएम निकालना नहीं आता।
तो काइंडली आप एलसीएम की प्रैक्टिस करें कि 16 और 12 का एलसीएम कैसे आता है। इस तरह ये 12 है, ये 16 है, फिर आप इसको करेंगे इस तरह, देखें 2 6 2 8 2 3 2 4 2 2, ये निकाला था ना बचपन में क्लास 3 में, 3 1, तो 2 2 4 2 8 2 16 3 48, दैट्स वाई आई रोट 48 एल सी एम ओवर हेयर। सही है, चलें करते हैं अब हम पार्ट नंबर 3। बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ेदार, जिसमें आपको डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 3। देखते हैं पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है। एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एट 0 ± 3 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोसाई इज इक्वल्स टू 10। सॉल्यूशन, अब प्रीवियस टू पार्ट के मुकाबले में एक डिफरेंट कंडीशन दी हुई है, बट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माइनर एक्सिस का मतलब क्या होता है? बी। मेजर एक्सिस का मतलब क्या होता है? ए। तो 0 ± 3 यानी कि माइनर एक्सिस जो दिए हुए हैं उसका जो जनरल बनेगा वो क्या बनेगा? 0 और ± b। यहाँ से आपको अगर आप कंपेयर करें इसको तो b आपके पास आ रहा है 3। अब लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई। अब आपको ये देख के अंदाज़ा हो गया कि माइनर एक्सिस जो है वो कहाँ पर है? y एक्सिस के ऊपर है। तो ऑब्वियसली मेजर एक्सिस कहाँ पर होगा? x एक्सिस के ऊपर होगा। तो अगर मैं एक रफ एलिप्स ड्रॉ करूँ इस तरह, आप जानते हैं कि एलिप्स के दो फोसाई होते हैं, एक होता है -c,0 ओरिजिन से और एक होता है c,0। ये होता है f1 और एक ये होता है f2। तो अगर आप f1 से लेकर यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालें, f1 और f2 का डिस्टेंस निकालें, अगर आप डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो तब भी वही आंसर आएगा। और अभी मैं आपको जो डायरेक्ट बता रहा हूँ तब भी वही आंसर आएगा। देखें c - c, c + c हो जाएगा, तो c + c क्या होता है? चलें डिस्टेंस फार्मूले से करवा देता हूँ, ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएं। x2 - x1 -± + c होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सी और सी होता है 2c होल स्क्वायर, 0 तो ख़त्म हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारे पास 2c, यानी कि दो फोकस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है 2c होता है। तो अब आपको यहाँ से पता लग गया ये चीज़ जो दी हुई है डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ये होता है 2c, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ये 2 वहाँ जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10/2 होता है हमारे पास 5, सी मिल गया हमें 5। जब सी आ गया, बी आ गया, ए तो मसला ही नहीं है। अच्छा ये ख्याल रखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई चाहे मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर हो चाहे मेजर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर हो, हमेशा जो डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई होता है वो क्या होता है? वो 2c होता है। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है? a² = b² + c², a² = b², बी आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ मैं लिख देता हूँ b² हमारे पास 9 हो जाएगा प्लस c², c हमारे पास 5 है तो c² 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25, a² 25 और 9 होता है 34।
और अभी आपको बताया था मैंने, क्योंकि माइनर एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर है तो ऑब्वियसली मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे, और जब मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो इक्वेशन कौन सी यूज़ होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्व टू वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर आपके पास कितना है 34 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपके पास कितना है 9 इज इक्व टू वन। 34 और 9 का एलसीएम ये आपने ख़ुद लेना है, मैं आपको डायरेक्ट क्योंकि मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। 34 और 9 का एलसीएम होता है 306, 306। तो 34 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एक मिनट रुकें, इसको मैं चेक कर लूं कि वेट, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। पहले एक छोटी सी चीज़ जहन में आई है, मैंने बोला पहले मैं देख लूँ इसको। यस, कोई मिस्टेक नहीं है, 306 एलसीएम आ जाएगा। तो इसका 34 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 306, ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 9 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9 × 34, 306 होता है, ये आ गया 1। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 34y स्क्वायर इज इक्व टू 306। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 306। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि ये पार्ट कैसे हुआ। तो आज के बाद हमेशा याद रखिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू फोसाई या डिस्टेंस बिटवीन फोसाई को हम क्या बोलते हैं, 2c, ये फॉर्मूला है। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 4। व्हाट इज पार्ट नंबर 4 इज वर्टेसिस एट प्लस माइनस 5, 0, लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 3। बहुत ही आसान सवाल है ये भी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरे होते हुए परेशान होने की। सॉल्यूशन, वर्टेसिस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 5, 0। लेंथ ऑफ लेटस, सॉरी, वर्टेसिस का मतलब होता है प्लस माइनस 0, इसको देखते हुए मैंने लिखा है, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ 0 होगा, और वर्टेक्स का मतलब ही a होता है। अब तो आपको पता लग गई होगी ये बात। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी दी हुई है हमारे को, 3। लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ बोलें या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बोलें, L से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे इससे तो आपको A क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अच्छा, एलिप्स की जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन A। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। जो प्रीवियस एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होती है, 4a, बट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन a। अब क्योंकि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स आपको दी हुई 3, तो मैंने कहा 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल टू 3। अब आप इधर आ जाइए, 2b स्क्वायर अपॉन a, a आपके पास क्या है, 5, ये आ गया 5 इज इक्व टू 3। तो 2b स्क्वायर इज इक्व टू 5, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 3 = 15, बी स्क्वायर इज इक्व टू 15/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, काम ख़त्म हो गया। a आपके पास 5 है, b स्क्वायर भी आ गया। अब आपको निकालनी है इक्वेशन,
कौन सी इक्वेशन लगेगी? नज़र आ रहा है आपको कि मेजर एक्सिस जो है वो पहले एक्स की वैल्यू लिखी हुई है और वाई की वैल्यू ज़ीरो है और ये वर्टेसिस है, तो मेजर एक्सिस क्या है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आपके पास 5 है तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर किसके बराबर है? 15/2। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस अपॉन के नीचे अपॉन हो जाए तो नीचे वाली चीज़ चली जाती है ऊपर, तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। अब वही बात, 25 और 15 का आपने लेना है LCM, 25 और 15 का LCM होता है 75, सही है? LCM आपको लेना आना चाहिए। तो 25 फ्री जा तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 5 से 75 और 5 2 जा ये हो जाएगा 10 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 3x स्क्वायर प्लस 10 y स्क्वायर इज इक्वल टू 75, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 y स्क्वायर इज इक्वल टू 75। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे हमने ये पार्ट नंबर 4 किया है। चलें स्टार्ट करते हैं हम पार्ट नंबर 5। तो देखा आपने ये कितना आसान टॉपिक है जिसको हम पता नहीं क्यों इतना डिफ़िकल्ट समझते हैं। लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 5। व्हाट इज पार्ट नंबर 5 इज एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस एट 0, ±3। लेट अस रेक्टम लेंथ इज इक्वल टू 3। बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह है, लेकिन प्रीवियस पार्ट में आपको वर्टेसिस दिए हुए थे, यहाँ पर आपको माइनर एक्सिस दिए हुए। तो सॉल्यूशन अगर आप इसको कंपेयर करवाएं तो ये क्या हो जाएगा? माइनर एक्सिस 0 और ±b। थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि जब आप कंपेयर करवाएंगे इसको इससे तो आपके पास क्या आएगा? b इज इक्वल टू 3 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको दी हुई 3 और आप जानते हैं कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स होती है 2b स्क्वायर अपॉन a। अब आप इसकी मदद से a हासिल करेंगे। कैसे हासिल करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर, बी आपके पास कितना है? 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ इनके डिवाइड हो जाएगा और ए चला जाएगा वहाँ पर। 9 2 18 अपॉन 3 होता है 6, आपके पास ए आ गया 6। अब कौन सी इक्वेशन यूज़ होगी? आप देख लीजिए, माइनर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है क्योंकि एक्स जीरो है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली मेजर एक्सिस कहाँ पर होगा? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। उसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आपके पास 6 है तो ए स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36 प्लस बी स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी आपके पास है 3 तो यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो आपके पास ये आ गया 9। अब बात करते हैं 36 और 9 के LCM की। तो स्टूडेंट 36 और 9 का जो LCM होता है वो 36 ही होता है क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 9 फोर सा 36, 4 इंटू y, 4 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ मैं 1 लगाना भूल गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर 36 वहाँ चला जाएगा, 36 बन जाए 36, ये हमारा आ गया आंसर।
आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस पार्ट नंबर 5. लेट्स हैव अ लुक पार्ट नंबर 6. देखते हैं पार्ट नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है. तो आप देख लें कितना आसान काम है. पता नहीं कौन कहता है कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है. पार्ट नंबर 6 क्या है? वर्टेसेस एट 0 प्लस माइनस 5 पासिंग थ्रू द पॉइंट 4/5, 3. सॉल्यूशन. पहली चीज हमें क्या दी हुई है यहां पर अगर आप देखें तो वर्टेसिस एट 0 प्लस माइनस 5 और वर्टेसिस अगर आप इसको कंपेयर करवाएं तो 0 तो 0 ही रहेगा और यहां आ जाएगा प्लस माइनस a. दिस इंप्लाइज दैट आपके पास a यहां से क्या हासिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5. दूसरी चीज ये है कि आपको इस वर्टेसिस को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि आपका जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग y एक्सिस है क्योंकि x की वैल्यू 0 है. तो जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस होता है तो इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अब आप देखें x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. a आपके पास 5 है तो ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 इज इक्वल टू 1. अब यहां उसने कहा है कि पासिस थ्रू द पॉइंट, एलिप्स एक पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट क्या है, एस एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4/5, 3. तो पासिस का मतलब है कि इट मस्ट सेटिस्फाई दी, इसका नाम रख दें इक्वेशन नंबर वन. इंक खत्म हो गई है मार्कर में तो आप मुझे एक मिनट दें तो मैं अपने मार्कर में इंक डाल लूं. चलिए जी इंक डल गई है. तो क्या लिखा था मैंने, एज एलिप्स पासिस थ्रू द पॉइंट 4/5, 3 इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन नंबर 1. यानी कि इस इक्वेशन में जहां एक्स है वहां 4/5 आ जाएगा, जहां वाई है वहां पर 3 आ जाएगा. तो चलें एक्स की जगह पर रखते हैं 4/5, एक्स का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर प्लस y की जगह पर रखते हैं 3 का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1. 4/5 का स्क्वायर क्या होता है, 16/25 और ये वाला अपॉन इस वाले अपॉन b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16/25 b स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होता है 9, 25 आ गया इज इक्वल टू 1. 16/25 b² इज इक्वल टू 1 माइनस 9/25. ये 9/25 यहाँ प्लस हो रहा था, वहाँ जाके माइनस हो गया. तो 16/25 b² इज इक्वल टू 25 माइनस 9 होता है 16. तो इसका आंसर आ गया 16/25. आप गौर से देखें ये वाला 16 ये वाला 16 से कट गया, ऊपर बचा 1, ये वाला 25 से कट गया. तो हमारे पास क्या बचा, 1/b² इज इक्वल टू 1 और b² हमारे पास आ गया 1. देखा आपने,
ये सवाल किसने ज़बरदस्त तरीके से हमने किया है। अब आखिरी काम इक्वेशन निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए आपके पास क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है 1 इज़ इक्वल्स टू 1। जाहिर सी बात है एलसीएम आएगा 25, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 वन ज़ा 25। ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। बट आई मस्ट वॉन्ट टू चेक द आंसर समटाइम, मैं जल्दी में मल्टीप्लाई वगैरह में कुछ मिस्टेक कर देता हूँ, तो करनी नहीं चाहिए, इसीलिए चेक कर लेते हैं। 25x² + y² स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 आ रहा है। एक मिनट, थोड़ी सी कोई मिस्टेक हुई है। क्या हुई है अभी देख लेते हैं। 16 अपॉन बी स्क्वायर पार्ट नंबर 6 25। एक मिनट, क्या था सवाल? वर्टेसिस एट प्लस माइनस 5, 0 0 प्लस माइनस 5 पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो जब वर्टेसिस इसके हमारे पास चले जाएंगे, ज़ीरो पहले है तो मेजर एक्सिस हमारे पास क्या होगा अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गया। इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या था हमारे पास 4/5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 16/25 बी स्क्वायर प्लस वाई कितना था 3 3² / 25 इज इक्वल टू 1। 16/25 बी स्क्वायर इसको वहाँ ले गए 25 माइनस 9 16 16/25 से कट गया तो बी स्क्वायर आ गया 1। तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ओ, मिस्टेक पकड़ी गई है। बहुत छोटी सी मिस्टेक थी, मैंने कहा ना मैं बाज़ दफ़ा मिस्टेक्स कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है तो बी हमारे पास कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 25 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 25x² + y² इज इक्वल टू 1। 25x² + y² 25 को वहाँ ले गए 25। सो दिस इज अवर आंसर। स्टूडेंट बात ये है कि मैंने हमेशा जिस तरह पढ़ाया है, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को टीचर फील ना करवाऊं, कि वो ये फील करे कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं और मुझे बहुत ज़बरदस्त मैथमेटिक्स आता है और स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टूडेंट की तरह ही बोलूँ, स्टूडेंट की तरह ही एक्ट करूँ और स्टूडेंट की तरह ही रिएक्ट करूँ। मैं अगर ये चाहूँ तो मैं हर चीज़ छाप के रखूँ अपने पास और फिर बस खट 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 हो जाए। समटाइम स्टूडेंट भी समझता है कि बस टीचर का मतलब है खट 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 हर चीज़ सही हो जाए। नहीं, टीचर भी मिस्टेक करता है एलसीएम की, प्लस माइनस की, कभी स्क्वायरिंग की, कभी फ्रैक्शन की। स्टूडेंट भी करता है क्योंकि टीचर भी एक स्टूडेंट ही होता है। टीचर बनना तो बहुत बड़ी बात है, बस फर्क ये होता है कि हमने आपसे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा तालीम हासिल कर ली, आप हमसे कम तालीम याफ्ता हैं। तो ये मैंने एक छोटी सी मिस्टेक करी थी। इट डजेंट मीन्स के जी ये मतलब अब मुझे कुछ नहीं आता, नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है और आपको चाहिए उस मिस्टेक को देखें। और जैसे मैंने अभी आपको सही करवा दिया, हो सकता है कि कभी मैं कोई किसी सवाल में किसी पार्ट में सही करवाना भूल जाऊं, आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं सही करवा दूंगा उसको। चलें अब हम इस क्वेश्चन का वो पार्ट करते हैं जिसको सम टाइम या ये कहूँ मैं टीचर्स कहते हैं
कि भाई ये पार्ट जो है वो एग्ज़ाम में नहीं आता और ये पार्ट जो है वो बहुत बड़ा है, इस पार्ट को छोड़ दो, ये पार्ट बहुत मुश्किल है, इस टाइप की बातें करते हैं। बट मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ एग्ज़ाम के लिए थोड़ी पढ़ लें, हमें तो इतना अच्छा सीखना है कि हमें सिर्फ इंटर में नहीं बल्कि आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हम बहुत अच्छे हो जाएं। और वो पार्ट है स्टूडेंट्स ये वाला, डायरेक्ट्रिक्स हमें दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू 16 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें दी हुई है 12। ये सवाल यूजुअली ये सवाल कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर में नहीं करवाया जाता, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा। थोड़ा सा बड़ा है डेफिनेटली, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 100% क्लियर हो जाएं। देखिए कैसे होगा ये सवाल, अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, डायरेक्ट्रिक्स सॉल्यूशन। डायरेक्ट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल्स टू a अपॉन e प्लस माइनस a अपॉन e। तो x इज इक्वल्स टू 16 दिया हुआ है, इसका मतलब है a अपॉन e हमें दिया हुआ है 16। आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, और वो कितना दिया हुआ है 12। और टारगेट क्या है कि हमें एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि इस ई को वहां ले जाके 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16e। यहां तक पहुंच गए, अब यहां आ जाते हैं, ये लिखा हुआ है 2b स्क्वायर अपॉन ए, ए हमारे पास क्या है 16e, तो इस वाले ए की जगह पर हम रख देते हैं 16e इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, आप गौर से देखिए, 2 1 2 2 8 16, तो बी स्क्वायर यहाँ से मेरे पास आ गया, 8e को ले जाके 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 12 8 96e, यहाँ तक हम पहुँच गए 96e के ऊपर। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले जब एलिप्स का जो फर्स्ट डे था उसमें लिखवाया था, आज फिर लिखवा रहा हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर हमारा किसके बराबर आया था, 96e। ए स्क्वायर, ए हमारे पास क्या था, अगर आप देखें इसको, एक छोटी सी चीज, तो बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 96e इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां से मैं एक काम करता हूं, गौर से देखिएगा, 2b स्क्वायर अपॉन a इज इक्वल्स टू कितना है, ये 12। गौर से देखें, 2b स्क्वायर, इस 12 को यहां ले आए और इस a को यहां ले जाए, 2 1 2 2 6 12, ये हो गया मेरे पास b स्क्वायर अपॉन 6a। b स्क्वायर अपॉन 6, अब आप क्या करें, दोनों तरफ कर दें स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, b 4, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36, और ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखें मैं यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ, इस ए स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, b 4 अपॉन 36, और वहाँ क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ई स्क्वायर। अब मैं एक काम और कर रहा हूँ, यहाँ पर 96e इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है b 4,
इसको अगर मैं लिखूं बी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 36, तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, 96e। तो 96e इज इक्वल्स टू, इस बी स्क्वायर की जगह पर मैं रख रहा हूँ 96e का स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर का स्क्वायर है, अपॉन में लिखा हुआ है 36 और ये है मेरे पास 1 माइनस ई स्क्वायर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 96e इज इक्वल्स टू 96 का अगर आप कैलकुलेटर में स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा आपका 9216 ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन 36, 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया, ये आपका रफ वर्क नहीं है, ये फेयर वर्क है, लेकिन मेरे पास क्योंकि जगह नहीं है तो इसलिए मैं इसको रब कर रहा हूँ। और आगे चलते हैं, थोड़ी सी सेटिंग बनाते हैं अब इसकी। देखिए, ये 36 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके 96 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब 36 96 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 3456, और ये 9216 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 9216, और ये वाला ई इसके स्क्वायर से कट गया, तो उस साइड पे खाली क्या बचेगा, ई, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस ई स्क्वायर। अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से 3456 डिवाइड बाई 9216 को डिवाइड करें और फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर लाएँ तो वो हो जाएगा 3/8। ई को 1 से मल्टीप्लाई करें, ई को ई स्क्वायर से करें, ये हो जाएगा ई क्यूब। अब आप क्या करें, इस 8 को वहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 8e, 8 को वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8e क्यूब, यानी कि 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा e इंटू ई माइनस ई क्यूब से, तो 8 इंटू 8e और 8 इंटू ई क्यूब 8e क्यूब, इन दोनों को उठा के यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा 8e क्यूब माइनस 8e प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ये इक्वेशन सॉल्व करते हुए निकालनी है किसकी वैल्यू, e की। स्टूडेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिकल इक्वेशन है। तो क्यूबिकल इक्वेशन आपने ग्रेड 10 में सॉल्व करी थी, फर्स्ट फैक्टर निकालते थे, आपको याद होगा कि जैसे ये वाली इक्वेशन होती थी x³ - 5x + 3 = 0, पहले आप रखते थे x की जगह पर 1, फिर रखा -1, फिर रखा 2, फिर रखा -2, तो आपका आंसर एक दफ़ा में 0 आ जाता था। तो अब आप e की जगह पर 1 रखें, चेक करें कि क्या ये पूरी चीज़ 0 हो रही है, नहीं हो रही, तो फिर e की जगह पर -1 रखें, फिर 2 रखें, फिर -2 रखें, लेकिन मैंने क्योंकि सॉल्व ऑलरेडी कर लिया था, e की जगह पर अगर मैं 1/2 रखूं तो ये पूरी चीज़ 0 हो जाएगी, तो मैं कह सकूंगा कि यस, e इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस। चेक करवाऊँ मैं आपको, 8 1/2 का क्यूब -8 × 1/2 + 3 = 0। 8 × 1/2 क्या होता है, 1/8 - 2, 4 + 3 = 0, 8 से 8 कट गया, 1 - 4 + 3 = 0, 3 + 1 होता है 4, 4 - 4 = 0, और 4 से 4 कट गया तो ये आ गया 0 = 0। आई होप यू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड के 0 कैसे आया, e इज इक्वल्स टू हाफ रखे, और यही हमारी वैल्यू है e की, e इज इक्वल्स टू हाफ, 1/2 हमारी वैल्यू आ गई है e की, हमारा काम ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है, सही है। तो e हमारे पास आ गया 1/2, इसको मैं पहले यहाँ लिखूँगा इस जगह पर, फिर मैं आगे जाऊँगा, e मेरा आ गया है 1/2, ये सारा काम अब रब कर देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा जगह चाहिए, थोड़ा सा बड़ा सवाल था। तो अब हम अगला काम करते हैं, एक मिनट आप मुझे दीजिए पहले। e इज इक्वल टू हाफ आ चुका है, अब ये देखें ऊपर ही लिखा हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय ई, ई कितना आया, हाफ, तो 2 4 8 2
एट ज़ा 16 या हमारे पास आ गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48। चेक कर लूँ पहले मैं इसको कि बी स्क्वायर हमारा 48 आ रहा था। यस, अब बात करते हैं ए की। तो देख लीजिए आपके सामने ए, आप यहाँ से निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू क्या है आपके पास 16 इंटू ई। ई कितना है आपके पास 1/2, तो ए आपके पास आ गया 8, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी कि 64। आपके पास जनाब अली बी स्क्वायर भी आ गया, आपके पास ए स्क्वायर भी आ गया। और ये आपको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्स की फॉर्म में कब होती है, जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो। उसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है 48 इज इक्वल टू 1। 64 का और 48 का देख लेते हैं एलसीएम कितना आ रहा है, ये होता है जनाब 192 एलसीएम आ गया। बड़ा ज़बरदस्त सवाल था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 आ जाएगा, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 192 आ जाएगा 1। तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 192 को 1 से मल्टीप्लाई करें 192, ये हमारा आ गया आंसर। तो देखा सवाल लंबा तो था, मगर ये कहना कि सवाल नामुमकिन है, हो नहीं सकता, टीचर्स करवाते नहीं हैं, स्टूडेंट करते नहीं हैं, ये तो बात गलत है। कोई भी चीज़ नामुमकिन थोड़ी होती है, सवाल जब है जवाब भी दिया हुआ बुक के अंदर तो कैसे नहीं हो सकता ये। चलें अब हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, देखते हैं कि लास्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा जा रहा है। ये था 7 पार्ट, तो टोटल 8 पार्ट थे, मैंने आपको 7 पार्ट्स करवा दिए। लेट्स हैव अ लुक लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 8। ई 2/3, लेटस रेक्टम की जो लेंथ है वो दी हुई 20/3 एंड मेजर एक्सेस अलोंग वाई एक्सेस सॉल्यूशन। ये भी बहुत आसान सवाल है, कम से कम पार्ट 7 के मुकाबले में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, मुश्किल का वर्ड यूज़ करना ही नहीं चाहिए। देखें हमारे पास सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ले लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिए हुए 20/3, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b² / a इज इक्वल टू 20/3। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें 2 1 2 2 10 और बी स्क्वायर को अलग कर लें तो बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 10 और ये ए वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10a/3। अब हम चलते हैं आगे, हमारे पास वही बात, वी नो दैट हमारे पास एक फार्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - e², ये वाला फार्मूला है। बी स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला गया 10a/3, तो ये हो गया 10a/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 - e². ई हमें दिया हुआ है 2/3, तो यहाँ आ जाएगा 2/3 का स्क्वायर, सही है जनाब। तो ये हो गया 10a/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 - 2/3 का स्क्वायर क्या होता है 4/9। और आगे चलिए और सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 10a/3 थोड़ा सफाई से ए स्क्वायर 9 1 9 9 - 4 होता है हमारा 5/9, सही है जनाब। इसको और देखते हैं ले जाके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 9 10 90 a, 3 5 15 a² इनको उठा के वहाँ ले जाते हैं, बल्कि इसको वहाँ ले जाते हैं 15 a² - 90 a इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है 15a, तो यहाँ बचेगा a - 6 इज इक्वल टू 0, 15a इज इक्वल टू 0, a - 6 इज इक्वल टू 0, 15a नहीं लिखा, a इज इक्वल टू ये 15 वहाँ जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, 0/15 होता है 0 और a वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 6।
डेफिनेटली ये जो हमारे पास a इज इक्वल टू ज़ीरो है ये नॉट एडमिसिबल है। क्यों? क्योंकि a ज़ीरो हो ही नहीं सकता, अपॉन में इक्वेशन में अपॉन में a होता है और डिवाइड बाय ज़ीरो तो वो तो अनडिफाइंड होता है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो हमारे पास a जो आ गया वो आ गया 6। जब a आ गया तो मसला ही नहीं है, b यहाँ से आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई ए। ए कितना निकाला आपने? 6 अपॉन 3, 3 टू ज़ा 6, 10 टू ज़ा 20, बी स्क्वायर आपके पास 20 आ गया। अब क्या है आखिरी काम? ए 6 आ गया तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर 36। अब उसने खुद ही बोल दिया है, आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसने बोल दिया है मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। जब मेजर एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस होते हैं तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 20 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है? 36 बराबर है 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास 20 का और 36 का? 180। इसका एलसीएम आ जाएगा 180, तो ये आ जाएगा 20 दो नीम, तो ये आ जाएगा आपके पास 9x स्क्वायर, और 36 को 5 से करते हैं तो 5y² इज इक्वल टू 1। और आखिरी आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9x² प्लस 5y² 180, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से होगा तो ये आ जाएगा 180। ये आ गया हमारा आंसर। जल्दी से आंसर चेक करते हैं अब इसका बुक में, देखते हैं इसका आंसर बुक में क्या आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है 9x² प्लस 5y² इज इक्वल टू 180। यस 100% करेक्ट। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स 100% कंप्लीट कर लिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, स्पेशली पार्ट नंबर 7 जो कि नहीं करवाया जाता, टीचर्स करवाते ही नहीं है पार्ट नंबर 7, वो बोलते हैं पता नहीं क्या है, कितना खौफनाक पार्ट है, बट आपको तो समझ में आ गया। अभी ये एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, इसमें कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं लेकिन बहुत आसान है। असल जो मेन क्वेश्चन था 102 हमने ख़त्म कर लिया। अगली क्लास का इंतज़ार कीजिए कि अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज पूरी कम्प्लीट कर लें। स्टूडेंट काइंडली डू प्रैक्टिस, जितने पार्ट्स मैंने आज आपको करवाए सारे पार्ट्स करवा दिए, सारे पार्ट्स की अब आप खुद प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए बात। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरी वीडियोस को अपने तमाम स्टूडेंट्स को शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।